डॉक्टर वीपी सिंह की जो नेतृत्व में जो 6 सदस्यों की जो टीम है डॉक्टरों की, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ ही कल जो है पूरा दिन उनकी सभी जो जांचें हैं, परीक्षण हैं, वो नए सिरे से की गई थी। और इसके बाद देर रात जो है ऊर्जा मंत्री जो भंवर सिंह जी भाटी यहाँ पधारे हैं, आए हैं, और इसके बाद उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की। अभी सुबह भी वो फिर से यहाँ पूरे परिजनों के साथ मुलाकात करने के साथ ही दूसरी सारी उन्होंने जानकारी ली है। मेरे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी, अगर बात करें तो प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी जी का, वैसे तो सभी लोग सदमे में हैं, शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वो हेल्थ कॉन्शियस थे और सबसे स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन अब क्या कुछ कहा है डॉक्टरों ने या क्या कुछ जानकारी आपको मिली? देखिए, रामेश्वर जी डूडी साहब एक जन नेता हैं और पिछले 3 दिन पहले उनको एकदम से ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद जयपुर में उनकी SMS हॉस्पिटल में सर्जरी हुई और सफल सर्जरी हुई। और उसके बाद में कल 29 तारीख को परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जयपुर के डॉक्टरों से बात की और यहाँ गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ बात करके इनको कल जयपुर से दिल्ली बाई एयर यहाँ ला करके एडमिट करवाया गया है। और यहाँ मेदांता के जो चिकित्सक हैं वो लगातार डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर वीपी सिंह जी और उनके साथ करीब 6 चिकित्सक हैं जिनकी एक पूरी टीम गठित की गई है मेदांता अस्पताल के द्वारा, और वो लगातार रामेश्वर डूडी साहब के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। सारी जांचें दोबारा फिर से करवाई गई है और जैसा कि चिकित्सकों के द्वारा बताया गया, जैसा परिवार के लोगों ने डॉक्टर से बात की, हमने बात की, तो सकारात्मक संकेत बताए जा रहे हैं। जैसे उनका जो बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे लीवर है, किडनी है, BP शुगर है या यूरिन का से संबंधित है, सारे मतलब एक तरह से जो सिम्टम्स हैं, जो संकेत हैं, वो अच्छे हैं, वो सही है। तो मैं समझता हूँ कि और जो उनका बॉडी का है तो उसमें भी मामूली थोड़ा सुधार महसूस किया जा रहा है। तो हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में डूडी साहब का बहुत अच्छे तरीके से इलाज बढ़िया यहाँ चल रहा है। चूँकि डूडी साहब का जुड़ाव न सिर्फ राजस्थान के हर ज़िले में था, बीकानेर के लोग जयपुर में भी बड़ी संख्या में आए, यहाँ भी आए हुए हैं, सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, प्रदेश के हर गांव ढाणी में उनकी, उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा की जा रही है, लोग उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो अच्छा इलाज चल रहा है और सभी डॉक्टर्स ये प्रयास कर रहे हैं कि डूडी साहब जल्दी से जल्दी ठीक हो। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी लगातार अपडेट ली है, कल भी देर रात उनसे बातचीत की, आपसे क्या बात? देखिए, रामेश्वर जी डूडी साहब के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 3 दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार पूरी रिपोर्ट भी ले रहे हैं। 2 बार वो जयपुर में हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए मिलकर भी गए हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से मिली है और उन्होंने परिवार के लोगों से सलाह करने के बाद में गुड़गांव भेजने का जो निर्णय में शिफ्ट करने का हुआ है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी लेने के बाद, मेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सकों से बात करने के बाद ही यहाँ एडमिट करवाया है। और यहाँ आने के बाद भी मतलब हर दिन में 3-4 बार वो लगातार मेदांता के जो चिकित्सक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके जो डूडी साहब के जो परिवार के लोग परिजन हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है तो वो रिपोर्ट्स भी मुख्यमंत्री जी तक भिजवाई जा रही है और CM साहब खुद चिंतित है कि डूडी साहब का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए वो यहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन सबके संपर्क में है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। बेशक जिस तरीके से इस मामले में कहें कि पिछले 3 दिन हैं और यहाँ 24 घंटे, कल 12:10 पर मेदांता में उनको भर्ती कराया गया था और उसके बाद 24 घंटे हो चुके हैं और अब जो इंतज़ार किया जा रहा है वो इसी कि अगले जो समय में है वो कभी भी उनको होश आए तो उसके बाद जो है आगे का जो कह सकते हैं इलाज वो कंटिन्यू रखा जा सके। जी हाँ सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया निज़ाम आपका इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों को लेटेस्ट